रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को अब 12 दिन हो चुके हैं। 12वें दिन रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव में कई रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया गया। इसी बीच दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने तीसरी बार वार्ता की, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। यूक्रेन के राष्ट्रपति के एक सलाहकार ने कहा कि रूस के साथ तीसरे दौर की वार्ता संपन्न हुई। इस दौरान मानवीय गलियारा बनाने के संबंध में प्रगति हुई है। वहीं यूएनएससी में यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा हुई, जहां रूस ने मानवीय सहायता के प्रावधान पर राजनीतिकरण किए जाने का आरोप भी लगाया है। रशिया और यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर एक और जहां अमेरिका और यूरोपीय संघ मास्को पर लगाम लगाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजिंग का यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा करने से इनकार करना जारी है। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री ने रूस के साथ चीन के संबंधों को लौहरक्षित भी बताया है।